मेन मकसद है कि यहाँ पे यानी जो काफ़ी वेल एजुकेटेड स्टूडेंट ऐसे हैं जो यानी गांव में रहते हैं वो अपनी तालीम हासिल नहीं कर सकते घर में काम काज के लिए। हमने यहाँ पे ऐसे किए कि हमने कंसेशन रखी हर बच्चे के लिए और ओपन किया है बुक बड़ी लाइब्रेरी ओपन की है यहाँ पे कि हर बच्चा आ सकता है यहाँ पे। कोचिंग वाला बच्चा कोई कोचिंग बाहर करते थे जम्मू में करते थे या फिर पुंछ में करते थे वो यहाँ पे आके सुरकोट में भी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी लाइब्रेरी है। हमने इसलिए खोला कि हर बच्चे यहाँ पे आके तालीम। टाइमिंग 24 घंटे है इंशाल्लाह। आज अयाज साहब को मुबारक हो जिन्होंने आज ये मलदयाल पार्किंग है सुरनकोट नियर जेके बैंक समोट उसके साथ ही सेकंड फ्लोर में इन्होंने लाइब्रेरी के आज इनाग्रेशन किया है। हम सब ने मेरे साथ सारे मौजूद लोग हैं हमने सब ने मिल के आज इस लाइब्रेरी की शुरुआत की है। इनको मुबारकबाद देते हुए मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि सुरनकोट में इस ये जो पढ़े लिखे नौजवान हैं ये अच्छे इनिशिएटिव ले रहे हैं जहाँ आज अनएम्प्लॉयमेंट जो नौजवान हैं वो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना वहाँ इंटरप्रेन्योरशिप और फिर खासतौर पे इस तरह के इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें यूथ को एंगेज कर रहे हैं और सुरनकोट में इस तरह का एकेडमिक्स का एटमॉस्फेयर जो है वो नीड ऑफ द आवर थी और इन्होंने ये इस तरह के इनिशिएटिव लिया है। इस लाइब्रेरी में कितने बच्चे जो हैं सुरनकोट के जिनको कहीं बैठने की जगह नहीं है पढ़ाई करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है वो यहाँ के आके ये 24 घंटे लाइब्रेरी खुलेगी और यहाँ नौजवान आके पढ़ेंगे और पढ़ लिख के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं आगे चाहे सिविल सर्विसेज़ के हैं हमारे स्टेट सर्विसेज़ के हैं या अलग अलग सर्विसेज़ के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए तैयारी करेंगे। मैं सारे स्टूडेंट्स को भी बेस्ट विशेज़ देते हुए उनको भी एक बार फिर मुबारकबाद करता हूँ और मेरी सुरनकोट के जो नौजवान पढ़े लिखे नौजवान हैं अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि इस तरह के इनिशिएटिव्स लें ताकि सोसाइटी में जो है अच्छा काम हो सके और हम नौजवानों को अच्छा रास्ता दिखाएं। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।